दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 56 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं 3,48,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 23,36,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,45,000 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे के भीतर 6,535 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना से अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के इलाज में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के क्लिनिकल ट्रायल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कोविड-19 के इलाज के लिए दवा पर बैन लगाने के साथ WHO ने कहा कि इसके एक्सपर्ट्स को अब तक के उपलब्ध सभी साक्ष्यों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। WHO ने बैन लगाने के साथ कहा है कि मलेरिया की दवा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल न की जाए। एक तरफ जहां कोरोना काल में मास्क सबसे आवश्यक चीजों में शुमार हो चुका है, लेकिन इसको अगर सही से डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो ये मुसीबत भी बन सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो लोग मास्क प्रयोग कर रहे हैं, अगर कॉटन के मास्क प्रयोग कर रहे हैं तो उसे डिटर्जेंट से धुलकर दोबारा प्रयोग करें। अगर डिस्ट्रॉयेबल मास्क प्रयोग कर रहे हैं तो उसे भी डिटर्जेंट से धुलकर ही फेंकें। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जिसके बाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। अब बिना पास के दिल्ली से गाजियाबाद के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही एंट्री मिल सकेगी। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों को आई कार्ड से ही एंट्री मिल पाएगी। गाजियाबाद के DM ने कल आदेश जारी कर जानकारी दी है। आज से लखनऊ में बढ़ेगी चहलकदमी। आज से सशर्त दुकानें जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। 33% दुकानों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। दुकान में एक बार में अधिकतम 3 ग्राहक ही जा सकेंगे। 65 साल से अधिक बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। मास्क के साथ लोगों को आना जरूरी है। उत्तराखंड में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। DM ने बताया, यहां से अब जल्द 3 ट्रेनों को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 3 जिले गोरखपुर, रायबरेली और फैजाबाद के लिए ये ट्रेनें जाएंगी। अभी फिलहाल इसको लेकर बात चल रही है, जिसकी जल्द पुष्टि कर इसकी तारीख निकाली जाएगी। अब तक उत्तराखंड से 487 प्रवासियों की घर वापसी हो चुकी है। लखनऊ के KGMU अस्पताल से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। 6 दिनों में ठीक हुआ कोरोना संक्रमित मरीज। सड़क दुर्घटना में मरीज घायल हो गया था। इलाज के दौरान कोरोना की जांच की गई थी, जिसके बाद युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन मात्र 6 दिन के इलाज में युवक ठीक हो गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग एक बड़ी सफलता की बात कह रहा है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले श्रमिकों ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि खराब हो चुका खाना उन्हें दिया गया, जिसे लेकर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा कर दिया। वहीं मजदूरों में भोजन और पानी को लेकर जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जालौन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गिरकर प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। रेलवे पटरी किनारे पड़ा मिला श्रमिक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया जिले का रहने वाला मृतक श्रमिक। राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए अब नई व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा है कि जिस तरह से प्रवासी आ रहे हैं और संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को 14 दिन धर्मशालाओं, होटल या अन्य जगहों पर क्वारंटीन किया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि CM ने इसके निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दे दिए हैं। कुशीनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होने के बाद CFC कप्तानगंज पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अस्पताल के प्रभारी सहित मरीज को देखने वाले पूरे स्टाफ को होम क्वारंटीन किया गया है। अस्पताल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। चंपावत में कोरोना पॉजिटिव टेस्ली के युवक को लोहाघाट के उप जिला अस्पताल से कोविड
डेडिकेटेड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंस के जरिए इस शख्स को चंपावत लाया गया। इस सेंटर में भर्ती होने वाला यह पहला मरीज है। मरीज की हालत ठीक है। सेंटर में मरीज का नियमित रूप से देखरेख की जा रही है। युवक मुंबई से ड्राइविंग करता था। हरियाणा के रिवाड़ी के रहने वाले सीआरपीएफ का रिटायर्ड जवान पिता का श्राद्ध करने मोक्ष नगरी वाराणसी आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन में फंस गए और वो दाने दाने के मोहताज हो गए, जिसके बाद जवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद वाराणसी के लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। हल्द्वानी दौरे गए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर के राधास्वामी सत्संग व्यास में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए बने वार्ड का निरीक्षण किया। सीएम ने कोरोना के मौजूदा हालात और बचाव राहत कार्य में लगे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। खटीमा के रहने वाले युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। युवक ऋषिकेश एम्स में काम करता था। खटीमा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिजनों और ड्राइवर को आइसोलेट किया है। साथ ही युवक के संपर्क में आने वाले 7 अन्य लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार सामने आते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। पहाड़ों में संक्रमण रोकने के लिए राज्यों से आने वाले प्रवासियों को अब टिहरी में ही क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन को लेकर डीएम ने गंगा रिजॉर्ट में होटल कारोबारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जरूरत पड़ने पर होटल और धर्मशाला में क्वारंटीन करने के लिए कारोबारियों को राजी किया। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से क्वारंटीन सेंटर में तब्दील होने वाले होटल और धर्मशाला प्रबंधन को निर्धारित शुल्क दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने बताया कि करीब 4,000 प्रवासियों को क्वारंटीन किया जाएगा। गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। मां और 2 बेटियों की हत्या कर दी गई। गांव के बाहर तालाब के पास 3 के शव मिले। 4 से 8 साल की 2 बच्चियों की घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जाकर जुट गई। अमेठी में अज्ञात महिला दूध मुहे बच्चे को सड़क के किनारे छोड़कर फरार हो गई। बच्चे की रोने की आवाज पर गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को उठा लाए। गांव के बुजुर्ग महिलाओं ने बच्चे को दूध पिलाया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचवाया। गांव के तमाम लोग नवजात शिशु का पालनहार बनने को तैयार है। इटावा के बकेवर कस्बे के मुख्य चौराहे पर शराब के नशे में धुत होकर 2 युवकों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर हमला बोल दिया। सिपाही के साथ मारपीट करने लगे। आसपास खड़े लोगों ने पहुंचकर सिपाही को बचाया और दोनों शराबियों की जमकर पिटाई भी की। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ जिले में मकान के किराए के विवाद को लेकर मकान मालिक ने गोली चला दी, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए। इलाज के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरी जिले में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मकान मालिक और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। अंबेडकर नगर में एक महिला ने पति के इलाज के लिए गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके पति का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। महिला बार बार डॉक्टर से इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रही है और कह रही है कि मेरे पति को चोट लगी है, बचा लीजिए, लेकिन कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। गाजियाबाद में चोरों ने किराना स्टोर को अपना निशाना बना लिया। शटर उखाड़कर लाखों का सामान चोरी कर ले गया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि जब वह दुकान खोलने आया तो पता चला कि शटर टूटा हुआ था। चोर लगभग 8,000 नगद और लाखों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। जालौन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल दुकान पर कब्जा करने के इरादे से जमीन पर बालू डालने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों के साथ धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि सहित 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आजमगढ़ के राम जानकी मंदिर के पुजारी का 4 बदमाशों ने हाथ पर बांधकर कटपट्टी पर असला सटाकर मूर्ति लेकर फरार हो गए। बाद में पुजारी ने कोशिश कर अपना हाथ पर खोला और बाहर निकला, लेकिन उससे पहले बदमाश फरार हो चुके थे। पुजारी ने लोगों को घटना की जानकारी दी और पुलिस को भी सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। कन्नौज जिले मझरोठा गांव के पास रोड पर प्रेमी युगल के शव फांसी पर लटके हुए मिले। वहीं शवों को देखकर हॉरर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। पेड़ पर लटके शवों की जानकारी लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच की जुट गई। फरुखाबाद में कादरी गेट चौकी इंचार्ज ने लाल सराय में सब्जी बेच रहे युवक को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। ठेले वाले के पैर में फ्रैक्चर की संभावना से पुलिस ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस अधिकारियों का मुंह बंद है और कोई कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। इसे पहले भी चौकी इंचार्ज की दबंगई सामने आती रही है। श्रावस्ती में सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज सुनने के बाद लोग दूर भाग गए। घर का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में दबंग युवकों ने दिव्यांग को बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि किसी पुराने विवाद में दबंगों ने पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के कई जिलों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन तक यूपी का पारा 46-47 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 28 मई के बाद बरसात होने की संभावना जताई है। करण जौहर ने अपना 48वां बर्थडे अपने घर पर बच्चों और माँ के साथ सेलिब्रेट किया। करण जौहर ने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टा पर शेयर किया, जो इस टाइम खूब वायरल हो रहा है। इसमें करण के दोनों बच्चे उन्हें केक खाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि करण मोटे हो जाएंगे। बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के घर तक भी कोरोना पहुंच गया है। करण जौहर ने इसकी जानकारी खुद ट्विटर पर दी है। करण जौहर ने बताया कि उनके घर में काम करने वाले 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ईद पर सलमान खान अपने फैंस को अपनी फिल्म के साथ तोहफा देते हैं। इस साल भी अपनी फिल्म राधे रिलीज करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन सलमान ने अपने फैंस के लिए सॉन्ग जरूर रिलीज किया है।